हम लोगों को जब शॉट मिलते हैं तो कितना भी टफ रहता है तो हम लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि शॉट निकल जाएगा, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वही जूनियर को मिल जाता है तो पसीना छूटने लगता है, 8-8, 9-9 बजे तक काम करता रहता है तब भी आउटपुट नहीं आता है, वो चीज़ें होती अब हैं। आजकल फ्रीलांसिंग में फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। लाइक अभी एक लड़का से बात हो रहा था तो बोला कि हम लोग 3 गो लड़का मिल के किए थे फ्रीलांस, फ्रीलांस करके सब दे दिए लेकिन पैसा दिया ही नहीं। तो अब वो बोल रहा है कि हम क्या करें, कि उसका जो फुटेज दिया उसको वायरल कर दें क्या, कि ऑनलाइन डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक पैसे की बात है, फंसने के जो बोलते हैं पैसे नहीं मिलते हैं, वो उसका गलती हम सामने वाले का सामने वाला ना दे के हम खुद को देते हैं। जब हम काम उठाते हैं अच्छा। उसका रीजन है, हम जिसके साथ काम नहीं किए हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसका काम हम क्यों कर रहे हैं? पैसे में फ्रीलांस ही नहीं, हर चीज में पैसे को लेकर धांधली होता है। हमारे इंडस्ट्रीज में ही नहीं है कि फ्रीलांस का पैसा फंस गया, भाई कहाँ नहीं हो रहा है, हम आपको जानते ही नहीं, आपका काम करने लगे बिल्कुल। तो पैसे तो फंसेंगे ना। बहुत तो ऐसे मेरे फ्रेंड है जिसका कभी पैसा नहीं फंसा है, परमानेंट क्लाइंट बना हुआ है। हाँ, थोड़े देर होते हैं लेकिन आता है। और जो पैसे फंसाने वाले होते हैं ना, वो जो उठाते हैं काम, वही फंसा पैसा फंसाते हैं, क्लाइंट नहीं फंसाएगा। जो 100 करोड़ लगा के पिक्चर बनाया है, वो फिर उसको 10-20 हज़ार रुपये वही देने में प्रॉब्लम है? नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो बीच में जो आते हैं ना, जिसको हम जानते नहीं हैं, काम उठा लिए, फंस गया पैसा, तो हम कहते हैं कि हम वायरल कर देंगे। क्या ही कर लेंगे आप वायरल करके? वायरल तो उसी दिन वो करे जब वो फ्रीलांस देने लगा। आप सुने हैं कि मार्वल का मूवीज का कभी फ्रीलांस आता है? वो बड़े बड़े फ्रीलांसर होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, जो अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं, जो उनके फ्रीलांसर नहीं होते हैं ज़्यादा, मार्केट में काम नहीं आता है, आता है तो वो दूसरे लेवल में आता है। बॉलीवुड का जो फिल्में आती हैं, वायरल कर दीजिए, क्या कर लेंगे, वायरल कर दीजिए। लेकिन फिर भी बाई लेकिन चांस कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इस फिल्म में रहना है। हाँ एक बार आपका नाम खराब हो गया ना, पैसे क्या है यार, मतलब आज पैसे कमा रहे हैं कल फिर कमाएंगे, पैसा फंसना मिलना नहीं, तो फ्रीलांस का कल्चर हो गया है। अब नहीं फंसते हैं, पहले बहुत ज़्यादा पैसे फंसते थे, लोग हमसे बोलते थे 2-2-3-3 लाख रुपया मेरा फंस गया, अब हम केस कम सुनते हैं। नहीं, मेनली मेरा क्या था ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट को उठा लिए हैं फ्रीलांस के नाम पर, जानबूझ के स्टूडेंट को उठाते हैं कि आगे कुछ करेगा भी नहीं, पहली बार काम करेगा, करके दे दिया पैसा नहीं दिया। तो जानबूझ के स्टूडेंट उठाते हैं, तो स्टूडेंट किस तरह का काम करते हैं? ये भी है। आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं, हम बहुत लड़कों से काम लिए हैं, काम दिए भी हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि लड़के काम ठीक से करते नहीं हैं, फ्रीलांस के नाम पे लोग क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो बंदा काम उठाता है या उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके क्लाइंट खराब होते हैं, पैसे उसके फंसते हैं। एक्चुअली में हम सोचते हैं हमारे पैसे फंस रहे हैं, नहीं, उसके पैसे फंसते हैं, क्योंकि तो 1-2 शॉट तुमको दिया रहा, उसके पास 50 शॉट है, तुमको 10-20 हज़ार काम दे, उसको 2-3 लाख रुपया फंसा हुआ है। तो जब वो काम नहीं करके देंगे ठीक से आउटपुट, तो क्लाइंट चिल्लाएगा उनके ऊपर, तो वो किसी और से काम करवाएंगे, तो किसी और से बिल्कुल। करवाएंगे। देखिए, बात सिंपल सा है, अच्छे इंसान की हर जगह पूजा होती है, ठीक है? अब अच्छा से काम करेंगे कभी पैसा नहीं फंसेगा, अब काम भी खराब करेंगे सोचेंगे पैसा भी मिल जाए। तो हमारे फील्ड में काम का पैसा मिलता है, हर फील्ड में काम का पैसा मिलता है। आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरा पैसा फंस गया। या फिर जिनका पैसा फंस गया, वो जिस जो सोर्स है, जिस वहां से काम उठा रहे हैं, उसको पहले जज करें, उसको चेंज करें। एक दो लोगों के पैसे फंस जाने से फ्रीलांस बंद नहीं हो जाएगा, ये सदियों चलता रहेगा फ्रीलांस। बिल्कुल। अब हमारे ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में फ्रीलांस होते हैं, लमसम मैक्सिमम फील्ड में। आप नेट पर देख लीजिए, ये फ्रीलांस वो फ्रीलांस चलते रहते हैं, हर किसी का थोड़ी काम उठा लेंगे हम जिसको जानते नहीं, जिसके साथ काम नहीं किए हैं। वही चीज़ होता है ना, कि आप इस फील्ड में आप काम तो किए नहीं, आप किसी को जानते नहीं, कुछ दिन काम कीजिए तब ना आप अपनी पहचान बनाएंगे, तब आपको काम मिलेगा, तब आपको पैसे नहीं फंसेंगे। बहुत लोगों को पैसे नहीं फंसते हैं, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल हैं, तो हम लोग को हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है, हम सोचते हैं जल्दी हम लोगों का सक्सेस हो जाए, जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव वे में चल रहे हैं ना, अच्छा काम करके अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा और वो स्ट्रांग रहेगा। पैदा हुए नहीं, दौड़ना चाहेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे ना, आपको थोड़े बड़े होने पड़ेंगे दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए।
अब जूनियर लेवल में फ्रीलांस तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और अगर मिल गया मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जूनियर लेवल में ना एक बार आपका नाम खराब हो गया ना तो आप सीनियर भी बन जाएंगे, तो सब यही बोलेगा कि भैया वो काम फंसाया, दो दो तीन तीन साल का पूरा याद रखते हैं सब कि वो काम फंसाया था। अब क्या हो गया है, फ्रीलांस ऐसे नहीं मिलता है, जो भी काम उठाता है ना वो टेस्ट देता है प्रॉपर कि एक टेस्ट हाँ शॉट। ये टेस्ट शॉट है, ये टेस्ट करके हम चेक करेंगे कि आप हमारा काम को क्वालिटी दे पाते हैं कि नहीं, अगर दे रहे हैं तब आपको काम मिलेगा, नहीं फ्रीलांस देता कौन है, छोटी छोटी कंपनी तो फ्रीलांस देती है, और ये आप जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से फ्रीलांस लेकर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे कंपनियां खुली हुई हैं वही फ्रीलांस देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने इम्प्लॉय नहीं होते हैं कि वो काम निकाल सकें। अच्छा दूसरी चीज, अगर वो इम्प्लॉय रख भी लेते हैं तो वो काम करवा नहीं पाएंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि उनके पास भी कंटिन्यू काम नहीं आता है और इम्प्लॉय को कंटिन्यू पैसे देने पड़ते हैं, तो वो जानबूझ के फ्रीलांस में मार्केट में फैला कर रखते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास काम आएगा तो काम करवा लेंगे सबसे, और नहीं आएगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम फ्रीलांस करने वाले जॉब वाले रहते हैं, जॉब छोड़ कर कोई फ्रीलांस नहीं कर पाता है, वो गिने चुने होंगे, क्योंकि जो जॉब कर रहा है ना उसी को सब कुछ कंटिन्यूटी बना रहता है, क्वालिटी सब कुछ। एक और आखिरी चीज बोलना चाहूंगा कि अभी इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, इंडस्ट्री में कितना चेंज आया है, मतलब इसमें जब जब आप स्टार्ट किए थे उस टाइम क्या सीन था, अभी क्या सीन हो गया? अभी से और पहले में क्या अंतर अंतर ये होता है कि देखिए पहले क्या था ना कि कंपनी बहुत कम थी, ठीक है हम लोगों को लगता था कि गिनी चुनी कंपनी है तो जॉब सिक्योरिटी का इशू हो जाता था, अभी कंपनी ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, अभी का कंडीशन तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी कंपनियां बहुत सारा डिस्टर्ब चल रही हैं स्ट्राइक के चक्कर में, नहीं तो ऐसे सिचुएशन थे कि जूनियर लेवल के काम करने वाला लड़का भी अच्छा सा सैलरी हो जाता था उसका, काम ज्यादा है ना, एक मूवीज बनती है तो उसमें फ्रेम पे हम लोग काम करते हैं सबको पता ही होगा, उसके बाद फिर हम लोगों का 2 घंटे 3 घंटे की फिल्में बन रही हैं, ज्यादातर VFX यूज होकर फिल्में बनती हैं, अब AI भी आ गया तो क्या VFX यूज नहीं होगा, हर जगह होगा, सारी बिल्कुल चीजें होगा। होंगी, सारी चीजें वैसे ही होंगी, बस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आउटपुट क्वालिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है मल्टीप्लेक्स में और अच्छे सारी चीजें होने लगेंगी, पहले तो सिंगल थिएटर होते थे, आज के 10 15 साल 20 साल पहले चले जाइए सिंगल थिएटर होते थे, तो हम लोग जैसे थिएटर वैसे देखते थे, वैसे ही क्वालिटी में फिल्में बनती थी, अब जो है मल्टीप्लेक्स IMAX बहुत सारी चीजें हो गई हैं तो उसमें उस तरह के बनती हैं, तो उसमें उस तरह का काम भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंपनी ज्यादा बढ़ रही है, और भी कंपनी बढ़ रही है ऐसा नहीं है, पहले एक दो कंपनी होती थी अब 2 4 10 कंपनी हो गई है, कंपनियां बढ़ रही हैं हमेशा बढ़ती रहेंगी और उसी हिसाब से लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन बस वही है कि आप जो है उसमें अपना 100% दीजिए, आप ये मत सोचे कि मूवी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगा, ये तो है। ये ऐसा है जो सदियों चलता रहेगा, आज ही नहीं है जब से ये फर्स्ट फिल्म बनी है तब से आज तक चल ही रहा है और लोग देख रहे हैं और कंटिन्यू देखते चले जा रहे हैं, पहले तो आप सीरियल में VFX यूज बहुत कम होता था, अब उसमें भी होने लगा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली फिल्म इंडस्ट्री है, सीरियल में भी है, मूवीज बनते हैं, वेब सीरीज बनते हैं, सारी चीजें ऑप्शन बढ़ गए हैं ना, पहले खाली मल्टी थिएटर में बनते थे, CD DVD आता था, अब तो OTT हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया है, तो ये सब चीजें जब सोर्स बढ़ेंगे देखने वाले बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिल्में बनेंगी ज्यादा बनेगा, अब एक फिल्म बनने में करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं तो कौन लेता है ये सब सारी चीजें, पहले से बहुत ग्रोथ हो गया, कहाँ 15 20 हजार हम लोग काम करते थे, 50 60 हजार एक लाख सैलरी हो गया लोगों का, तो जब कंपनी फिल्में नहीं बनती कंपनी नहीं होती एम्प्लॉय नहीं होते तो क्यों मिलता इतना पैसा, हजार हजार करोड़ इंडिया में कभी सोचता था कभी फिल्में कमाएंगी, नहीं, अब हर 6 महीने में एक फिल्में आ जाती है 1000 करोड़ वाली, अभी तो शुरुआत हुआ है हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम हॉलीवुड में काम करते थे, बिल्कुल। अभी इंडियन सिनेमा में तो अभी घुसे ही नहीं है, अब तो हाल फिलहाल लास्ट जो 2019 के बाद से बहुत सारा बॉलीवुड या फिर साउथ वाला बहुत बहुत अच्छा। सारे ऐसे ऐसे फिल्में बनने लगी हैं जो अच्छा बजट में बनती हैं अच्छी कमाती है, और जब ज्यादा कमाएंगी तो लोगों का अंदर पैसे लगाने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और लगाएंगे और लगाएंगे, और उससे अब लगाने का मतलब ये है कि कहाँ लगाएंगे, इम्प्लॉय उस पर बैठेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सारी चीज बढ़ेंगी तो पैसे कमाएंगे तो लगाएंगे, इंडियन सिनेमा तो अभी तो VFX के मामले में अभी थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है, जब ये शुरू हो जाएगा तब तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है हॉलीवुड या फिल्मों का,
अभी तो लोग फिल्में देखना शुरू किए हैं रियल देखा जाए तो, कहाँ को मल्टीप्लेक्स में कोई जाता ही नहीं था, अब तो धीरे जाना सुने गांव के लड़के भी आ जाते हैं शहर देखने के लिए, पहले तो कोई जाता ही नहीं था देखने के लिए, छोटे छोटे तो शहर में मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे, अब वो भी वहां भी खुलने लगे हैं। हमारे यहाँ बनारस में 2014 में PVR बना था, 14 में शायद, उससे पहले लमसम वही टाइमिंग था, और जगह अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, तो जब बढ़ेंगे सारी चीजें बढ़ेंगी तो लोग देखेंगे। पहले 50 रुपये का टिकट हम लोगों को ज्यादा लगता था, अब 300-400 रुपये का टिकट लगा के हम लोग फिल्में देखते हैं। अब हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में जो है ना रोटो पेंट का कल्चर बढ़ता जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा कंपनी भी आ रहा है जो सिर्फ रोटो आर्टिस्ट हायर नहीं करता है, रोटो पेंट दोनों जिसको आता है उसको हायर कर रहा है। तो अब जो भी नया स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसको क्या डायरेक्ट रोटो में आ जाना चाहिए कि पेंट में आ जाए, रोटो तो साथ में होता ही रहता है, पेंट क्या चूज क्या करना चाहिए? दोनों चीज लेकर चलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अभी आज से 4 साल 5 साल बाद की, मैं जहां तक मुझे जज कर रहे हैं, हर जगह रोटो पेंट दोनों एक साथ काउंट होगा, ठीक है। तो रोटो पेंट इसलिए काउंट होता है क्योंकि जो रोटो का जो वर्क होता है ना, वो वर्क और पेंट का वर्क आप देखेंगे तो एक दूसरे से ओवरलैप होता है, ठीक है। रोटो का ज्यादातर मैक्सिमम चीजें पेंट में यूज होती हैं, पेंट फिर रोटो पेंट का कॉम्प में यूज होता है, जब जहां भी यूज होता है। तो आप दोनों चीज पैरेलल लेके चलिए, आपको रोटो का भी नॉलेज होना चाहिए, पेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। आप कहीं भी टेस्ट दीजिए, दोनों चीजें आप दिखाइए, हमको रोटो का भी नॉलेज है, पेंट का भी नॉलेज है। तो आपको क्या होगा ना, आपको रोटो पेंट कराएंगे तो पेंट ही, बट आपको रोटो से वह प्रिफरेंस मिलेगा कि भाई इसको रोटो का भी नॉलेज है। तो कभी रोटो का काम आ गया तो, अभी पिछले साल से तो कुछ कंपनियां ऐसी होगी रोटो पेंट करके आर्टिस्ट ज्वाइन करती हैं, सीधे लिखा रहता है रोटो पेंट। तो आपको दोनों नॉलेज होना चाहिए, आपको रोटो और पेंट दोनों को एक साथ काउंट करना पड़ेगा, ना कि आप सोचिए कि हम रोटो का अलग पेंट। अब पहले होता था रोटो और डिपार्टमेंट पेंट, आज भी रोटो पेंट एक साथ काउंट करके अब चलना चाहिए लोगों को। अब बहुत सारे, जैसे इतना टाइम हो गया बहुत सारा जॉब नहीं आ रहा है, तो मैं सबको बहुत बोलता रहता हूँ कि जितना टाइम बचा हुआ है उतना में पेंट सीख लो, तो फिर जो कहीं अप्लाई करोगे रोटो पेंट आर्टिस्ट या फिर डायरेक्ट पेंट स्टार्ट कर लो, रोटो आप सीख चुके हो। तो कई लोग ये रिप्लाई करते, नहीं अभी रोटो में सीख लिए हैं, अब रोटो को बढ़िया से मास्टर करेंगे, जब रोटो में हो जाएगा जॉब करने लगेंगे तब जाके फिर पेंट अपना सीखना नहीं नहीं स्टार्ट होता करेंगे। है, क्योंकि जब हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर समय और ये जो रहता है ना, नहीं मिलता है, जॉब बचाने का फिर लगता है कि फिर अब लगता पहले है कि अपना हम रोटो जॉब का जॉब कुछ, बचाएं, पिका पेंट सीखें। हाँ किसी तरह जॉब सिक्योर हो जाए, किसी तरह हम कुछ करने लगे। तो उसमें क्या होता है ना, कोई चीज नया चीज सीख नहीं पाओगे, फिर आदमी कंपनी के भरोसे हो जाता है, ये कंपनी हमको सिखाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो कंपनी अपने हिसाब से सारी चीजें करती है ना, वो आपके हिसाब से चलेगी नहीं। आपके पास अगर पहले से कुछ नॉलेज नहीं है ना, आप रोटो में ज्वाइन करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल रोटो पेंट सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब जॉब जॉब, आपको रोटो अगर सीख रहे हैं ना, आपको पेंट का अगर नॉलेज है, तो रोटो में आपकी जो माइंड सेटअप है ना, वो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, सपोज दैट आप पेंट में ही ज्वाइन कर लिए, आपको रोटो का नॉलेज जीरो है, हाँ वहां भी प्रॉब्लम होगा आपको। बिल्कुल आप कॉम्प में ज्वाइन कर लिए, बहुत लड़के हमको आज भी मिलते हैं जो सीधे कॉम्प सीखते हैं और कॉम्प में ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पेंट का नॉलेज है, लेकिन कॉम्प का मैक्सिमम काम तो पेंट से शुरू होता है ना, बिल्कुल एजिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, सारे हेड चीजें चिपकाना उसमें सब तो। सब कुछ पेंट का है। 80% वो पेंट होता है, 20% वो कॉम्प होता है। तो जब ये जो एक ही है, तो आप उसमें तो आपको दोनों चीज सीखना पड़ेगा ना, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे। वेट करना पड़ेगा कि रोटो हमारे डिपार्टमेंट से फील्ड नहीं आएगा ले, काम कंपनी तो। लेगा हाँ ही नहीं ना, ये भी है। कंपनी अब नहीं लेगा, कंपनी अब चूजी हो गई है। आपको देखिए आपको कितना नॉलेज है, रोटो का नॉलेज है, तो पेंट का क्वेश्चन पूछ देते हैं इंटरव्यू में। मेरे पूछ दिया था कि पेंट का मैं आपको क्या पता है, तो हमको पता था तो हम अपना बताए कि भाई हमको ये सब चीजें पता ही है, किस तरह से ट्रैक करते हैं, किस तरह से क्या प्रोजेक्शन वगैरह, सारी चीजें। आपको नाम तो कम से कम पता होना चाहिए ना, आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं मतलब क्या है, प्रोजेक्शन 2D ट्रैक मतलब क्या है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको वर्ड ही पता नहीं रहेगा ना, आपको सबसे भी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। हम मास्क बोल रहे हैं, मास्क में मास्क पता मतलब नहीं। पता ही नहीं है, रोटो वालों को मास्क से क्या मतलब है भाई, रोटो रोटो करते हैं बस, लेकिन रियल में उसका जो यूज होता है, पेंट और कॉम्प में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर कैसे करेंगे, कहाँ रोटो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि रोटो कर, रोटो का काम ही नहीं है भाई, रोटो ABCD है, जेड तक पूरी फिल्में बनती हैं, जेड जब तक जेड नहीं आएगा तब तक फिल्में नहीं बनेंगी। बिल्कुल हम लोगों को फील्ड का जो ABCD है वो रोटो ही है, रोटो पेंट
आपको जानना ही, दोनों साथ में जानना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि हमको पेंट जान जाएंगे, रोटो पेंट बाद में सीखेंगे, रोटो पहले ज्वाइन कर लेते हैं, कभी जिंदगी में सीख ही नहीं पाएंगे। जब काम आता है कंपनी के पास ना, तो रोटो को इतना खींच देता है ना कि फिर उसमें आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, आपको सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। 10 साल से हम कंटिन्यू काम करते रहते तो हम शायद पेंट सीख भी नहीं पाते। बिल्कुल हम बीच में गैप लिए, टाइम लिए, लेकिन अभी जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए यही है बेस्ट कि आपके पास जितना समय है आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने में आप लगाओ, उसको इंक्रीज करो। हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। क्योंकि जब इंटरव्यू वाला पूछता है ना, तो उस समय आप रोटो का नॉलेज रहेगा ना, तो आपसे क्या ही बताओगे आप। रोटो पेंट ही नहीं, आपको बेसिक कॉम भी आना चाहिए, एक्चुअली वर्बल तो आना ही चाहिए। आपको भले ही न्यू से आप फैमिलियर भले ना हो, लेकिन आपको न्यू के बारे में पता होना चाहिए कि न्यू क्या चीज होता है, उसमें क्या क्या होता है, आखिर में रोटो को हम क्या करते हैं। तो जब तक आप रोटो, इतना नहीं है कि आप सब जान गए तो मतलब सब कुछ जान गए, कुछ नहीं जाने हैं तब भी आप कुछ नहीं जाने हैं जब तक आप फील्ड में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। दोनों चीज आपको उसमें फैमिलियर होना चाहिए, उसके बाद आप और सारी चीजें जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रैक क्या होता है, ये सब चीजें आपको। हम तो कहते हैं कि अगर क्लासेस है, दो प्रैक्टिकल क्लासेस तो एक वर्बल क्लासेस होनी चाहिए। थियोरी क्या होता है, थियोरी जरूरी है ना। बिल्कुल हम लोग प्लेट यूज करते हैं, डीपीएक्स एक्सआर यूज करते हैं, वो क्या होता है पता ही नहीं है, बस उठा लिए काम करने लगे। तो क्या होता है ये सब चीज पता होना चाहिए। अब ये सब इंडस्ट्री का तो सारा बात हो गया, एक चीज बाहर का है हो गया। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई स्टूडेंट है, जब काम करने आएगा तो यहाँ पे नॉलेज तो ठीक है, उसके अलावा क्या क्या उसको आना चाहिए? अब बाहर हमेशा रहना पड़ेगा तो उसको कुकिंग आना चाहिए, इस टाइप का चीज देखिए हम लोगों का ये बहुत जरूरी है, है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ रहते हैं ना, तो घर से जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बस आराम से पढ़ेंगे उसके बाद जॉब मिल जाएगा। रियल स्ट्रगल जॉब में शुरू होता है। आप, आपका सबसे बड़ा चीज क्या है ना, अगर आप मेंटल तैयार तभी रह सकते हैं जब आप हेल्थ आपका सही रहेगा। आप जगह जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, चाहे मुंबई में, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी आप कीजिए, आपको रहना खाना ये चीजें आपको अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तो हमेशा आपका हेल्थ खराब होगा। हेल्थ खराब होगा तो हम लोगों के तो लिमिट छुट्टी रहता है, आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे कि हमको इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, हमको ये सूट नहीं कर रहा है। तो सबसे बेस्ट चीज है कि सबसे पहले आपको खुद का खाना बनाना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी चीजें हैं, अपने हाथ बनता है तो अच्छा ही लगता है। ये चीजें आपको पता, अब तो सबको पता होना चाहिए। पहले ऐसा होता था औरतें खाना बनाती थी, अब तो इंसान को, आदमी को, सबको पता होना चाहिए क्या बनाना है, क्या हम खाते हैं, उसी तो बनाना चाहिए। हर कोई, बिल्कुल अब बाहर रहेंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन होटल में खाएंगे आप, 2 दिन 4 दिन। मान लीजिए वहां का पानी सूट नहीं किया, खाना सूट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे। बेंगलोर ही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, बहुत लोग हमारे यहाँ से आते हैं, सब चेन्नई में, कोयम्बटूर में, ऐसे ऐसे जगह पर जॉब करते हैं, वहां तो उनके घर का टेस्ट मिलेगा नहीं। बाहर नहीं बनाना जानेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले है आप जो है सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, नॉलेज लीजिए, तब आइए मार्केट पे काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। हम कह रहे हैं जो आदमी खा रहा है क्या उसको बनाना नहीं आना चाहिए। हमको लगता है कि हम कितना कुछ कैसे प्रिपेयर करके हम जॉब पे जाएंगे। नहीं, अब आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतने पेपर देने पड़ते हैं, इतने सारी चीजें उसमें होती हैं कि आपको सारी चीजों में अवेयर होने पर, दुनिया, देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी करते हैं बच्चे, छोटे छोटे रूम में गैस रखे हैं, अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी एक जॉब आपका प्रिपरेशन है। आपको जंगल में जो आपका सिलेक्शन हो गया, वहां पे भी बच्चे नहीं हैं पहुंच पा रहे हैं इतना जल्दी, तो क्या करेंगे आप। किसी भी फील्ड में अगर हैं, अगर आपको ये सब चीजें हैं, तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि हाँ खाना पीना बनाना आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब तो देख रहे सबको आता है। आप भी माँ के दुलारे बन के नहीं रह सकते, अब बाप के प्यारे बन जाओ, क्योंकि बाहर निकलोगे ना तो वहां पे तुमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जॉब से ही नहीं, इन्वायरमेंट में, लैंग्वेज में, हर चीजों में, आपको कन्वर्सेशन में गांव देहात का भाषा नहीं चलता है बाहर, वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है। शुद्ध खड़ी हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश तो छोड़िए, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो जॉब करने के लिए आते हैं सो गांव के ही रहते हैं, शहर से थोड़ी कोई आता है, शहर में तो वहीं पर आते हैं जॉब करने के लिए। तो उन लोगों का क्या, शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता है, बाहर आते हैं जॉब करने के लिए सही से बोल नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ नहीं, अपने सेल्फ डेवलप कीजिए और सारी चीज़ों को
अवेयर होके चलिए, सब कुछ ओके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, काफ़ी बात हुआ, बहुत लंबा कन्वर्सेशन चला, अच्छा लगा। और भी आगे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फिर आपको बुलाऊंगा, बिल्कुल पूछूंगा बिल्कुल, क्या डेफिनेटली हम करना है। तो हमेशा तैयार रहते हैं सब चीज़ों के लिए, कि जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको किस तरह से प्रिपेयर होकर आना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ हो, टाइम ना लगे। 10 साल 15 साल एक ही डिपार्टमेंट में आप पड़े हुए हो, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका गलती आपका है, किसी और का नहीं है। प्रिपेयर होकर आएंगे, पहले का समय अलग था, आपका समय अलग हो गया है, अब एकदम से आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। पहले थोड़ा बहुत स्टीरियो होता था, अब VFX होता था, कुछ जूनियर सीनियर इस टाइप के लड़के चल जाते थे, अब छः छः एक एक साल में लड़के सीनियर बन जा रहे हैं, तो आप उनसे फाइट कैसे करोगे? आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, हर चीज़ में प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ तो हेल्थ ऐसे ख़राब हो जाता है, स्टार्ट में आते ही हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं, हमको घर का खाना ज़्यादा खाना है, तो घर पे रूम तो सब ले लेते हैं 6 साल 6 महीने में, बाहर से यार डिपेंडेंट रहते नहीं हैं, उनके सबको सूट नहीं करता है ना, कोई वेज है कोई नॉन वेज है कोई कुछ है, किसी का टेस्ट नहीं मिल रहा है, कहीं रोटी नहीं मिल रहा है, कहीं चपाती नहीं मिल रहा है, कहीं राइस राइस मिल रहा है, तो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करके तैयार होना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल आपका होना चाहिए, लेकिन खुद डिपेंडेंट होने के बाद, बाकी सारी चीज़ें तो बनी जाती हैं। अब सही एकदम है, से कॉन्फिडेंट मिलेगा, सारी चीज़ों को तैयार कीजिए और एकदम प्रिपेयर होकर तब इस फील्ड में आइए तो बेहतर होगा। हाफ नॉलेज लेकर आएंगे, सोचेंगे नहीं कंपनी में जॉब करेंगे तब सीखेंगे, तो एक ही पॉइंट सीखने में आपको साल बीत जाएगा। पता चला कि ट्रैकिंग ठीक से आ नहीं रहा है, ट्रैकिंग करते करते साल 1.5 साल 2 साल बीत गया, कई बार 5 साल हो गया हमको पता नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आदमी बोलेगा अब कैसे डिपार्टमेंट चेंज करें, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बैक टू पवेलियन हो जाता है आदमी, लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, चलो घर चलते हैं, क्योंकि उसमें आपने कुछ इनोवेशन नहीं किया ना, बस ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते आए हैं, एक काम करेंगे कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा।